हम अभी आए मंदिर के पिछले भाग में जहाँ सी है, और ये देखिए सामने द्वारका वैकुंठ धाम, जहाँ एक दिन सबको आना है। केमल, द्वारका में मुझे अगर प्लेस पसंद हो ना तो वो है भड़केश्वर, जहाँ हम जाएंगे। पहले देखते हैं मार्केट में जाएं, और मंदिर के मेन द्वार जो है वहाँ पे जाएं, फिर शाम तक भड़केश्वर जाएंगे। अगर अभी जाना होता है तो देखते हैं अभी क्या डिसाइड करते हैं हम लोग, पर यहाँ की अगर मेरी फेवरेट जगह हो ना तो भड़केश्वर। अभी हम आए हैं, एक चौपाटी जैसा बनाया है, सच्ची कहूँ थोड़ा थोड़ा मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, तो मैं जो भी बताऊँ वो आप समझ जाना। चलो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। काफ़ी सारी होटल्स है, काफ़ी सारे धर्मशालाएँ हैं, तो रहने की सुविधाएँ बहुत अच्छी है यहाँ पे, खाने पीने की तो भाई बहुत ही बढ़िया। आज हम देखते हैं क्या करते हैं, वैसे मेरा अभी खाने का मन नहीं है, और अभी तो शाम तक इधर रहना है, मैं तो अभी भी थक गई। हम जा रहे हैं अभी हमारे सती माँ के मंदिर, वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़े रिलैक्स होंगे, फिर देखते हैं वहाँ से हम क्या प्लान करते हैं, कहाँ जाना है। अभी तो बस हम जा रहे हैं मंदिर। यहाँ से नागेश्वर, बेट द्वारका, ओखा, द्वारका से घूमने के लिए ये सब बाकी की जो ये जगह है, अच्छे अच्छे प्लेसेस है वहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे प्राइवेट वाहन सभी मिल जाते हैं, ऑटो रिक्शा, कार, जो भी आपको अच्छा लगे। और अभी हम आए हैं तीन बती चौक, जो हमारा सती माँ का देवस्थान है, ये हमारे सती माँ के मंदिर जाने का रास्ता है, और सामने सलून है अवकार हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट। जब मेरे बॉय कट हेयर थे तभी मैं यहाँ आती थी हेयर कट करवाने के लिए। देखिए भाई राकेश भाई खड़े, हाय केम छो यूट्यूब केम छो। ये सलून है, काना भाई 2021 में रजा ले ली थी, एक वर्ष એટલે બસ એક વર્ષ મારા હેર ને થયા તો ઘણા લાંબા થઈ ગયા, એક વર્ષ મારી ગ્રોથ બહુ મને છે ને, જેટલો ડર હતો ને ઈ પ્રમાણે બહુ સારું એવું રિઝલ્ટ દેખાય છે સિરિયસલી, કેમ કે તમે પછી પેલા ઉસ્માનભાઈ હું નામ છે ભૂલી ગયો આપણે, હું પેલા ઇમરાનભાઈ ને હું જાતી તો એ ભી મને 2-3 વર્ષ કેતા, પછી આપણે જો ને વાત થતી તો તમે કેતા કે વાત લાગે મેક્સિમમ કેતો કે 3-4 વર્ષ લાગશે, પણ એક વર્ષમાં આટલો બધો રીગ્રોથ ફાસ્ટ સારો કહેવાય, બહુ સારો એવો ગ્રોથ થઈ ગયો, હજી મને લાગે છે એક વર્ષમાં હજી લાંબો થઈ જશે, પછી એમ થાય કે ફરી પાછું એક નો ઇન્ટરેસ્ટ હું બોયકટ તો નથી જ કરવા હવે, હા પણ એ તો આટલી મેં કાનાભાઈ વયા ગયા પછી તમે એક વાર આવ્યા હતા, આવી હતી એક વાર મને યાદ છે, હા એક વખત આપણે બધા આવ્યા હતા, લડકો એ ભાઈ હતો, અને ભલે હું તો ત્યારે એને એક જ વાર મળ્યો હતો, પણ એક વખત ઈ કલાક દોઢ કલાક બેઠા એમાં એ સો ફાઇનલી આ ગઈ અમારે સતી માં કે મંદિર, આપકો દિખાતી હું, યે દેખીએ યે મંદિર હે, ચલો અંદર ચલતે હૈ, सामने गात्रार माँ का मंदिर है और सिक्कोतेर माता जी का मंदिर है, और यहाँ से हमारे सती माँ का मंदिर अंदर आता है, और यहाँ ये स्टोरी लिखी है कि कैसे हमारे सती माँ मीन्स के
ये जटनिया और कुंडलिया के देवस्थान है, उसके साथ हमारे सती माँ बिराजमान है। बहुत लंबी स्टोरी है और अच्छी भी है। और ये है हमारे सती माँ। तो हम हमारे सती माँ के मंदिर से निकल गए दर्शन करके, और अभी हम बाजार जा रहे हैं। चलो अभी हम बाजार एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा और आई थिंक दो पार्ट में मुझे अपलोड करना होगा। तो द्वारका के बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी बतानी है। हाँ, तो कंटिन्यू रहिएगा। चलो बाजार दिखा रही हूँ, मिलते हैं। वैसे हम आए हैं कार लेके, पर कार हमने पार्क कर दी है और सब जगह चल के ही जा रहे हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। मेरे पास बड़ा वाला कैमरा नहीं है, ना ही ड्रोन है, पर जितना हो सके उतना मैं ट्राई कर रही हूँ और करूँगी। अभी शाम तक मैं हूँ, अभी बजे हैं दोपहर के, नहीं अभी तो देखो पौने 12 बज के, तो जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊँगी, और नहीं होगा तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट टाइम। फाइनली हम मेन गेट तक आ गए। देखिए ये अंदर तो अलाउ नहीं है, मैं बाहर से ही आपको दर्शन करवाती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि द्वारका में आप आए सिर्फ ध्वजा के दर्शन भी करें ना, तभी धन्य हो जाएंगे। बाजार आपको दर्शन करा। ये एग्जिट गेट है, आगे एंट्री गेट है। वैसे बाजार तो काफ़ी बड़ी है, ईट साइड भी है सामने और यहाँ पे, बहुत बड़ी बाजार है। पर हम अभी जाएंगे जहाँ हमारी कार खड़ी है, पार्किंग की है हमारी कार को। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना था, बहुत ही मज़ा आया। मंदिर के बाजू में ही होटल है, माधव होटल का नाम है, आइएगा। પણ એમાં એવું છે, રૂપિયાની વાત આવે ને એટલે હું બહુ ચોખ્ખો માણું છું, આગે ચાલતે ગાડી ગજબ કે ગરમ હો ગઈ હે, ગરમ ઇતની ગરમ કે બેઠ ભી નહીં સકતે। કિતને ડિગ્રી હો ગયા ભાઈ તાપમાન આજ કા? 38 યા 14। पापा सो हम आ गए अभी भड़केश्वर और गाड़ी में ही बैठे हैं, क्योंकि भड़केश्वर बहुत है। भड़केश्वर में तड़केश्वर है, तो हम बाहर नहीं निकले। वैसे तो गाड़ी एकदम गर्म हो
सो भड़केश्वर में तड़केश्वर है तो यहाँ पे बैठे हैं और गाड़ी वहाँ पे बहुत गर्म हो गई थी जहाँ पार्क की हमने मंदिर के आगे। अभी यहाँ पे दरवाजे खोल दिए हैं कार के तो ओके है, अच्छी वाली मस्त वाली हवा आ रही है क्योंकि सी बाजू में ही है पीछे। थोड़ी देर बैठे फिर देखते हैं जाते हैं क्योंकि फ़ोटो शूट करना है वीडियो भी शूट करना है तो थोड़ी देर के बाद जाते हैं क्योंकि सच्ची में बहुत ख़तरनाक वाली धूप है और मेरे ख्याल से 38 समथिंग आसपास टेम्परेचर होगा, राइट? मे बी। सो बैठते आराम करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं कार में ही। देखो इसने तो चिल कर भी लिया। चिले स्वर में पड़के स्वर में तड़के स्वर है और ये हो गया चिले स्वर। वाह 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 वाह। वैसे हमारा प्लान तो बड़ा था पर सब प्लान कैंसिल कर दिए, जैसे कि बेट भी जाना था, ओखा भी जाना था, नागेश्वर भी जाना था, पर टाइम नहीं है क्योंकि हम तीन निकले हैं घर से, मैं, शिवानी, वीर, और घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं और भी कुछ और भी काम है। और हम तीनों ने अच्छी तरह से नींद नहीं की है क्योंकि निकलना था बहुत ही जल्दी सुबह तो अच्छी तरह से सो नहीं पाए और कल तो शिवानी की जॉब है तो आराम नहीं होगा। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे फिर चले जाना दूसरी बार, आज सिर्फ द्वारका से ही बस एंड कर दो। तो सोचा कि चलो मम्मी भी ठीक बोल रही है तो बस ये द्वारका अगली बार सोच रहे हैं पूरी फैमिली के साथ आए तो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। हाँ बड़ी ट्रिप और बड़ा फैमिली, ज़्यादा लोग, हाँ मजा आएगा, साथ में आएंगे हम सब। तो इतनी गर्मी, मुझे समर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल आई हेट समर। विंटर मुझे इतना पसंद है ना, भगवान करे क्या करे मैं हिमालय में बस जाऊं या फिर ये विंटर कभी खत्म ही ना हो। हाँ या फिर विंटर कंटिन्यू रहे, विंटर के बाद सीधा 365 दिन विंटर वाला मानसून, समर नहीं। विंटर में एक प्रॉफिट क्या है कि हम फटे कपड़े भी पहने ना तो पता नहीं चलता। क्या शिवानी बोल रही है, ऐसा वीडियो में नहीं बोल, सच्ची बोल रही हूँ ना, आप ही बताना। विंटर में हम गंदे कपड़े पहने, मेले कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने, क्योंकि ऊपर तो हमने स्वेटर लगाया होता है, जैकेट सी डाले होंगे, किसी को दिखना तो है नहीं, तो सही बात है। लेकिन ऐसा वीडियो में तो बोलते बोलते एक महीने तक ना है नहीं तो भी चलता है। वैसे तो द्वारका और द्वारका के आसपास में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। द्वारका के अंदर जो कुछ भी है उसमें से ज़्यादातर आपको बताया, द्वारका का मार्केट दिखाया, द्वारका मंदिर अब जाएंगे हम, अभी आपको बताया था हमारी फेवरेट प्लेस है भड़केश्वर, वहाँ पे हम आ चुके हैं लेकिन धूप बहुत है इसलिए बाहर नहीं निकले हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे, सनसेट पॉइंट है ये, तो बाहर जाएंगे थोड़ा धूप डले उसके बाद। और सती माँ का मंदिर आपको हमारा दिखाया, फिर गोमती घाट दिखाया, सुदामा सेतु दिखाया, रुक्मणी मंदिर है वहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि हम जा पाएँ। द्वारका में जो कुछ भी है हम आज दिखा देंगे, द्वारका के आसपास जितनी भी जगह है जाने के लिए तो वो दूसरे वीडियो में या बाद में फिर कभी आएंगे, दूसरी ट्रिप करेंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ दिखाना है। अब सारा कुछ एक ही दिन में तो ना तो हम घूम पाएंगे ना ही आप लोग एक साथ सब कुछ देख पाओगे, तो आप सारे वीडियो देखना और हर वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको ये भी पता चल सके कि द्वारका, और द्वारका के साथ साथ आप जब भी आओ तो 2-3 दिन का प्लान बना के आओ, और छुट्टियों के दिनों में आप कहाँ कहाँ रह सकते हो, कहाँ घूम सकते हो। द्वारका में रहने के लिए अच्छा मिल जाता है आपको, बहुत सारी जगह है, अच्छे अच्छे होटल्स बहुत सारी हैं, सस्ती भी है, महंगी भी है, जैसी भी लग्जरियस होटल्स भी है, जैसी भी आपको
सूटेबल हो आप ले सकते हो। टू स्टार, फाइव स्टार, थ्री स्टार, सारे स्टार हैं, सारे स्टार हैं। और यहाँ पे एंटर करते ही आहिर समाज आता है, वहाँ पे स्टे के लिए मिलता है अगर किसी को खुले में रहना अच्छा लगता हो। हाँ। हमारी तरह समर में आए हो तो हमें आज पता चला। हाँ, 30 रुपए में रहने को मिलता है। तो धूप बहुत है लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं वीर भाई के पास। हाँ, जानू तो उतर भी गई मुझे छोड़ के। चलो अब मैं भी जाती हूँ और आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं कि बड़केश्वर मंदिर के आसपास क्या है। चलिए चलते हैं। तुझे नहीं ले जाना है। मैं आऊंगी आऊंगी आऊंगी। नहीं नहीं नहीं। तो हम जा रहे हैं बड़केश्वर और सामने जो मंदिर दिख रहा है, दिख रहा है आपको छोटा सा, वो जब भी ज़्यादा बारिश आती है यहाँ पे तो ये पूरा रास्ता पानी पानी होता है। पानी ऊपर चढ़ जाता है। यस, समंदर का पूरा पानी यहाँ तक होता है, ऊपर तक रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यस, हम मंदिर तक जा ही नहीं सकते बारिश में। मंदिर पूरा हाँ भरती 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 है। तो बाढ़ आती है या ज़्यादा बारिश होती है तो ये जो पूरा मंदिर है वो पानी के अंदर होता है, ये रास्ता पूरा। मैंने एक बार वो वीडियो YouTube पर रखा था, पर ये कॉपी क्लेम और कॉपी स्ट्राइक वाला जो है ना सिस्टम YouTube का, सब कुछ बदल गया है। पहले जैसा बड़केश्वर लग ही नहीं रहा है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी थोड़ी ना चलती है। वो पहले वाला जो था वो अच्छा था, अभी भी अच्छा ही है, पर काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। अच्छा अच्छा भी लग रहा है, दोनों बात है। यहाँ पे जाने के लिए कुछ वो क्या कहते हैं, रेत, हाँ रेत थी यहाँ पे नीचे। ये सब बदल गया है, यहाँ पे देखो रास्ता बन रहा है दूसरा नया, तो पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। शायद वो लोग रास्ता बना रहे हैं सीधा गाड़ी से यहाँ तक आ सके। अच्छी बात है, पर कोई नहीं भाई, जरा एकदम खुला खुला लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। हम आज आए हैं, अभी अगली बार आएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी और बदलाव हो जाएगा यहाँ पे। हाय वीर, हाउ आर यू? वेरी फाइन। धूप नहीं लग रही है तुमको? रुमाल निकाल, टपोरी। ये बड़केश्वर महादेव,